हेलो स्विमर्स, देखिए एक डाउट था सबको कि रिवर में जैसे पूल के स्विमर्स होते हैं क्या रिवर में नहीं कर पाएंगे क्या। तो देखिए अभी जैसे शिवशंकर है, लगभग कितने साल तुमने नदी में स्विमिंग किया है? बचपन से। तो लगभग बचपन से शिवशंकर ने ना रिवर में स्विमिंग किया है और अभी बहुत ही कम समय, मतलब एक या दो महीना हुआ है वो पूल में इधर आया है यहाँ पे स्विमिंग पूल पे और इसने प्रैक्टिस किया है। तो अभी देखिए इससे ही जानते हैं कि डिफरेंस क्या था वहाँ पे नदी में तैरने से और यहाँ पे नदी में कैसा था और यहाँ पे कैसा है। यहाँ तो बहुत कठिन पड़ रहा है, नदी में बहुत आसान था। नदी में आसान क्यों था? नदी में पैर ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता था। नदी में देखिए पैर ज़्यादा चलाना नहीं पड़ता था, इसका देखिए पहला रीज़न क्या होता है, नदी में होती है धार, तो धार आपको ना ढकेलते रहती है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो ऋषिकेश में, जब बारिश के टाइम में मैं गया था तो उसमें देखिए पानी तो खूब मडी होता है, ठीक है, और धार इतनी ज़्यादा होती है कि आपको सिर्फ पानी के ऊपर रहने का टारगेट करना है कि आपकी बॉडी पानी के ऊपर रहे, बाकी धार आपको ना उसका जो फ्लो होगा वो आपका फेंकते रहेगा आगे की ओर। और फिर क्या करना है, जैसे आप मान लो कि फ्लो उस तरफ जा रहा है, आपका किनारा इधर है, तो आपको क्या करना है, अपने बॉडी को हल्का हल्का पुश करना है। धार तो आगे आपको फेंक ही रही है, आपको हल्के हल्के जब पुश करोगे तो आपकी बॉडी से किनारे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ सांस लेने में भी कुछ दिक्कत थी, वहाँ नदी में सांस लेने के लिए दिक्कत ज़्यादा नहीं रहती है। अच्छा, हाँ, तो जैसे ये रुका पानी है ना, मतलब रुके पानी को आपको काटना पड़ता है। पहला रीज़न तो होता है कि जैसे फ्लो होता है, फ्लो में आपको ढकेलते रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ खड़े हो ना तो यहीं खड़े रह जाओगे, आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए पानी को काटने के लिए आपको पैर भी चलाना पड़ेगा, हाथ भी चलाना पड़ेगा और लगातार सांस भी लेना पड़ेगा। तो फिर ताकत लगती है यहाँ पे, ताकत लगेगी लगेगी। तो बहुत लोग का जो डाउट था कि सर नदी के तैराक से आइए, कभी कॉम्पिटिशन करिए, तो कॉम्पिटिशन आप रिवर स्विमिंग की प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि रिवर स्विमिंग मैंने काफ़ी बार की है और रिवर स्विमिंग ईजी होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जैसे जो मान लो ये सिर्फ यहाँ पे सीखा है, लोग ने नदी कभी गया नहीं है, उसने स्विमिंग पूल में बहुत अच्छे से स्विमिंग सीख ली है, तो रिवर में क्या होता है, जैसे फर्स्ट टाइम जब मैं रिवर में गया था बनारस में, रेस थी वहाँ पे 18 किलोमीटर की रेस थी, मैराथन रेस थी, तो उसमें क्या था कि जब पहली बार मैं पानी में उतरा ना तो मुझे डर लगा। डर क्यों लगा, क्योंकि एक तो जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पे कितना गहरा है क्या नहीं है, वहाँ पे नीचे कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना पानी वो मडी होता है कि विज़न ही नहीं होगा। तो अगर कोई भी स्विमर, स्विमिंग पूल का कोई भी स्विमर अगर पहली बार जाता है ना तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, तो जनरली जिसको पैनिक ज़्यादा बढ़ जाता है सांस फूलने लगती है, जब सांस फूलने लगेगी तो हैंड मूवमेंट नहीं चलेगा, जब हैंड मूवमेंट नहीं चलेगा तो और पैनिक हो जाओगे, तो उस सिचुएशन में लोग डूबते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्विमिंग पूल का जो स्विमर होता है वो मतलब एक तरीके से कंप्लीट स्विमर होता है, वो ईजिली कर लेगा, और रिवर में जाने पर बस पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती, इस वजह से लोग जनरली डूबते हैं। तो हमेशा अगर आप लोग कभी भी जैसे स्विमिंग पूल पे स्विमिंग सीख रहे हो तो रिवर में अगर स्विमिंग करना होगा तो पहले किनारे कहीं पे भी जहाँ सेफ साइड हो या जहाँ पे लोग हो, या जनरली क्या होता है नदी के किनारे लोग सिखाते भी हैं स्विमिंग, तो एक दो दिन आप क्लास करोगे ना वहाँ जाके फिर एकदम नॉर्मल हो जाएगा, फिर आप समझ जाओगे कि पानी नदी में स्विमिंग किस तरह करनी है, किस तरह ईजी तरीके से बढ़ना है, ठीक है। तो यही था कि रिवर का स्विमर जो अभी शिवशंकर है, तभी देख रहे होंगे आप, कैप भी नहीं लगाया, गॉगल्स भी नहीं लगाया है, ठीक है। और रिवर में किस तरह स्विमिंग करते थे ये भी दिखा दो। चलो रिवर में ये इस तरह, हाँ, सांस को ये झटका दे दे के सब करते थे, ठीक है, ये झटका दे दे के ऐसे ऐसे, मतलब बस उनको मतलब ये होता है कि बस सर ऊपर रहे, तरह यही डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को समझिए, ठीक है। कोई बोलता है, कोई चैलेंज आपको करता है कि चलो तुम तो यहाँ पे स्विमिंग कर ले तो चलो वहाँ करके दिखाओ, तो मत करिएगा, ठीक है, चैलेंज रिजेक्ट कर दीजिएगा, नहीं, कह दो नहीं आता मुझे, फालतू में अपनी लाइफ को रिस्क में डालने से कुछ मतलब होता नहीं है। जिसको भी चैलेंज करना होगा वो पुल पे आइए, चैलेंज करिए और फिर डिफरेंस खुद समझ जाएंगे। और पैनिक सिचुएशन, जैसे एक तो मडी वाटर होता ही है, ठीक है, नीचे सब अंधेरा अंधेरा दिखता है, वो भी होता है, और दूसरा और कई कारण होते हैं, जिस तरह जैसे उसमें कभी कभी लहर भी होती है, ठीक है, उस लहर की वजह से क्या होता है कि कभी कभी भंवर बन जाती है, ठीक है, उस भंवर का डर होता है, नीचे कोई जैसे जानवर तो नहीं है, ठीक है, उसका डर होता है, नीचे कोई पत्थर तो नहीं है, उसका डर होता है, और जब इतना डार्क पानी होता है, अगर छोटी मछली भी अगर आपके पैर से टकरा के जाएगी ना तो आप तुरंत पैनिक कर जाओगे, आप सोचोगे यार कुछ सांप वगैरह तो नहीं है, तो वो सब सिचुएशन के कारण ही लोग जल्दी डूबते हैं, बाकी ऐसा कोई कारण होता नहीं है कि जैसे जो स्विमिंग पूल का स्विमर हो वो नदी में ना तैर पाए, क्योंकि टेक्निक वही होती है, बस अपने मन को कंट्रोल करके स्विमिंग करना होता है वहाँ पे। तो आई होप कि ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे और इस डिफरेंस को समझ के आप लोग स्विमिंग सीखिएगा अपनी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय।